आज और देखो अभी बात मत किया था कि अर्पित हमेशा बैठता था मेरे आगे और आज बढ़िया स्वेच्छा के आगे आया था क्यों क्या गद्दारी कर पे और ऐसा क्यों क्या फोन आप बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा एग्जाम का? बहुत बढ़िया रहा। और दोस्तों हम आपको बता दें अभी कि बहुत ही हल्का फील हो रहा है हम लोगों को। अगर और हम आज आगे पीछे पवन और प्रियांशु नहीं रहता तो हम लोग का एग्जाम आज अच्छा नहीं जाता। वो बात पवन तो हल्का फील हो रहा है, हल्का फील हो रहा है, कहीं ललका ना निकल जाए। और दोस्तों आपको एक बात बता दें, आपको एक चीज, हम लोगों ने 5 साल में 200 एग्जाम दे दिया है। और आपको एक और बता दें, हम लोग को एग्जाम लगता किसी भी एग्जाम से रिजल्ट से पहले लगता है, लेकिन एग्जाम से डर नहीं लगता। बताना चाहते हैं पवन के बारे में। पवन चालू है ना मैं? हाँ चालू। पवन को मैं से बोलता था ए पवन, ए पवन, इसका बता तो पवन नहीं सुनता था। अर्पित पीछे से बोलता था ए पवन, अर्पित क्या भाई क्या भाई। मेरे टाइम ये नहीं था, पूछे बता देता था, बिना पूछे बता देता। ये कहाँ बैठा है? कहाँ बैठा है? बकचोदी मत कर।